चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनाव के परिणामों की। राज्यसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से अजय माकन चुनाव हारे हैं। हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते हैं। भाजपा के कृष्ण पवार ने भी जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में एमवीए को झटका लगा है। बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। शिवसेना की 1, कांग्रेस की 1 और एनसीपी की 1 सीट पर जीत हुई है। शिवसेना के संजय पवार चुनाव हारे हैं। बीजेपी के धनंजय महादिक चुनाव जीते हैं। ये तमाम समीकरण संख्या बल का ये पूरा खेल था और देखना ये भी महत्वपूर्ण था इस चुनाव के दौरान कि कितने अपने साथ खड़े नजर आते हैं और कितने पराये हो जाते हैं वोटिंग के वक्त। ये तमाम समीकरण भी थे जिनको साधना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और तमाम रणनीतियां भी इसको लेकर के तैयार की गई थी। तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से अजय माकन चुनाव हार गए हैं। हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते हैं। भाजपा के कृष्ण पवार ने भी जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में एमवीए को झटका लगा है। बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। शिवसेना ने 1, कांग्रेस ने 1 और एनसीपी ने 1 सीट जीती है। शिवसेना के संजय पवार चुनाव हारे हैं। तो वहीं बीजेपी के धनंजय महादिक चुनाव जीते हैं। ये तस्वीरें भी जरा देखिए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए ये तस्वीरें, खुशी का इजहार किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान के लिए अगर इन परिणामों की हम बात करें तो बेहद सुखद ये परिणाम रहे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 3 ही प्रत्याशी जीत गए हैं और लगातार बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। जीते हुए प्रत्याशियों को बधाइयां मिल रही है। हालांकि कल कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब परिणाम सामने आने से पहले ही 3 प्रत्याशियों को बधाइयां मिलने लग गई थी। तो राज्यसभा चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से अजय माकन चुनाव हार गए हैं। हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते हैं। भाजपा के कृष्ण पवार ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में एमवीए को झटका लगा है। बीजेपी ने 3 सीटें जीती है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने 1-1 सीट जीती है। शिवसेना के संजय पवार चुनाव हारे हैं। बीजेपी के धनंजय महादिक चुनाव जीते हैं। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अपने आप में कई लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल था, कई लोगों की साख का सवाल भी था और यही देखना महत्वपूर्ण था कि जो तमाम समीकरण बनाए गए हैं क्या वो सत पाते हैं कि नहीं सत पाते हैं। क्योंकि संख्या बल का ये पूरा खेल था, इसको लेकर के बाड़ेबंदी भी की गई। क्योंकि खतरा यही था कि जो विधायक साथ हैं, एकजुट होने की बात कह रहे हैं, कहीं उनकी किसी मुद्दे को लेकर नाराजगी से वो अलग ना हो जाए, क्रॉस वोटिंग ना कर दे। तो ऐसे में बाड़ेबंदी भी हुई, साथ ही वो तमाम समीकरण भी सामने आए। कुछ तेवरों का दौर भी देखने को मिला। कुछ ने तल्ख तेवर दिखाए तो किसी ने नर्म तेवर दिखाया। हालांकि उसके बाद ये सिचुएशन आई जब वोटिंग होनी थी, तो वोटिंग के दौरान सब कुछ सामान्य से रहा और एक खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर भी वोटिंग के दौरान सभी को देखने को मिली। हालांकि अब जब परिणाम सामने आए हैं तो अलग अलग खेमों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि चौंकाने वाले परिणाम राज्यसभा के सामने आए हैं। कहीं कांग्रेस को बढ़त मिली है तो कहीं झटका भी लगा है। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है, कांग्रेस के 3 प्रत्याशी विजयी हुए हैं, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से अजय माकन चुनाव हार गए हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान से 3 प्रत्याशी मैदान में थे, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और साथ ही प्रमोद तिवारी। और ऐसे में ये 3 प्रत्याशी मैदान में, संशय लगातार बना हुआ था क्या तीसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, तो वो संशय भी दूर हुआ है। क्योंकि प्रमोद तिवारी की अगर हम बात करें तो उनका कद राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि एक निशान एक सीट पर लगातार 9 बार उन्होंने चुनाव जीता। तीसरी वरीयता की उनकी बात आ रही थी, पर जिस तरीके से परिणाम सामने आए तो अपने आप में एक बड़ी जीत, 3 ही प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की जीते। तो वहीं अगर हम भाजपा खेमे की बात करें राजस्थान के लिहाज से, तो यहाँ पर भाजपा के एक प्रत्याशी मैदान में थे, वो जीत गए।